नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये रेलवे स्टेशन के बाहर झंडा लगा हुआ है और अभी हमने यहाँ पर एंट्री की है विशाखापट्टनम में, और इसका पूरा ब्लॉक इससे पहले का वीडियो बना हुआ है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। जो हमने विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक रेल की जर्नी की है और अभी विशाखापट्टनम में एंट्री हो गई है, तो इस वीडियो में हम विशाखापट्टनम को देखने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस ट्रिप को एंजॉय करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें विशाखापट्टनम में रहने के लिए एक होटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो देखते हैं और कुछ खाना भी खाते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहला काम, कहीं भी जाते हैं हमें रूम चाहिए, और ये हमारा रूम हमें मिला है। टीवी लगा हुआ है, बेड है और अटैच बाथरूम है, लाइट है, ये सब यहाँ पर, ये शीशा है, टेबल है, ये सब हमें, ये रूम हमें मिल गया है। और ये रूम 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिला है। अटैच बाथरूम भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अटैच बाथरूम है और ठीक ठाक है। मच्छर यहाँ होते हैं, मच्छर सभी जगह हैं, तो मच्छर के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो ये हमारा रूम तो हो गया रहने के लिए, और अभी अगला देखते हैं। कुछ खाने के खाया नहीं है सुबह से, तो कुछ खा लेते हैं, देखते हैं, बाहर चलते हैं। ये बाहर से होटल, होटल का गैलरी और सामने मेन रोड, और ये हमारा होटल। खाना खाने के लिए हम आ गए हैं, अभी खाना आ जाता है, आपको दिखाता हूँ। और ये आज का हमारा खाना, ये मच्छी करी और ये कुछ चटनी, ये सब्जी, ये दाल, ये सब्जी, ये चावल। तो शुरू करते हैं खाना। गुड मॉर्निंग। जैसे आपने कल देखा, हम होटल में आ गए थे और अभी सुबह का वक्त है, अभी आगे का सफ़र शुरू करते हैं। पहले हमें विशाखापट्टनम को आज देखना है और कल अगली सिटी को निकलेंगे। तो अभी हम होटल से बाहर आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ नाश्ते वाले भैया हैं, नाश्ता देख लेते हैं क्या मिलता है। ₹30 में 2 डोसा, शानदार नाश्ता, और एक नई चीज़ हमें मिली यहाँ पर, कड़ी मिली साथ में। डोसे के साथ कड़ी नहीं देते नॉर्मली, लेकिन यहाँ आंध्रा में विशाखापट्टनम में कड़ी साथ में दी डोसे के साथ। जो चटनी सफ़ेद और जो दूसरी जो चटनी देते हैं उसके साथ में कड़ी भी मिली, बहुत टेस्टी थी। और ये यहाँ गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है यहाँ, ये मैंने देखा है स्टैचू बहुत सारे हैं। और ये यहाँ हमने यहाँ से चाय और एक केक ले लिया है, यहाँ हमने चाय ले ली है। और ये मंदिर चुराया है यहाँ पर, और सामने ही रेलवे स्टेशन है, और ये इसी चौक के पास में ही एक मंदिर है, आप भी देख लीजिए। ये पुजारी जी बैठे हैं और ये अंदर मूर्ति है, ये बाहर भी छोटे छोटे 3 मंदिर हैं आप देखें, और इधर भी आप देखें, और ये ऊपर ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। और ये रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ से हम बस लेंगे और देखते हैं कौन सी बस आती है। जैसे ये बस यहाँ आ रही है, तो जो भी बस हमें मिलती है उसमें हम बीच तक जाते हैं।
भैया आर के 20 जाओगे? 20 नहीं जाएगी ना? अच्छा ये 20 नहीं जा रहे भैया, दूसरी गाड़ी आएगी। और ये हमें बस मिली है, ये भी निकल गई है यहाँ से, जो हमें आर के 20 तक लेके जाएगी। और ये विशाखापट्टनम का मार्केट चल रहा है अभी। इस गाड़ी से हम आर के 20 तक जा रहे हैं, ये हमें स्टेशन से मिली है। और आर के 20 का 20 रुपये किराया, और तकरीबन 10-12 किलोमीटर का ये स्टेशन से आर के 20 का दूरी है। ये हमारी बस जो हमें यहाँ तक लेके आई आर के 20। और ये सामने और भी कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, सर्किट हाउस, श्रीपुरम जंक्शन, वोडा पार्क, कैलाश गिरी, और ये यहाँ पूरा समुंदर। और ये यहाँ अरामा कृष्णा मिशन आश्रम लाइब्रेरी है। और एक बड़ा सा स्टैचू यहाँ बना हुआ है। और ये सामने यहाँ बस स्टॉप, और ये सामने लहरें उड़ती हुई समुंदर के अंदर आर के बीच। और बीच के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दिया है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लेना। और ये यहाँ का नज़ारा है, आइए चलते हैं आगे और विशाखापट्टनम सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और ये आर के बीच के पास ही पार्क बना हुआ है, ये बच्चों को डेडिकेट है पूरा पार्क। इधर ये बड़ा सा एक शंख रखा है, उधर आर्च बना के उसके ऊपर एक बच्ची का स्टेचू बनाया हुआ है, और ये इस तरह से पूरा। और इधर एक एलिफेंट, छोटा एलिफेंट भी बना हुआ है। और ये आर के बीच है पूरा। और इस बीच का नाम है इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन पार्क। ये पूरा बीच का ही रोड है, थोड़ा सा आर के बीच से थोड़ा आगे आ गया हूँ मैं। और ये आप देखेंगे तो ये गेस्ट हाउस, होटल्स बहुत सारे बने हुए हैं बीच के ऊपर ही, तो आप यहाँ इनमें होटल लेके भी रुक सकते हैं बीच के सामने बिल्कुल। ये बीच का ही रोड है। और ये बीच से विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ चलते हैं तो बना हुआ है कृष्ण जी का छोटा सा पार्क, और ये समुद्र का किनारा, और ये यहाँ मंदिर, और ये यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर। बीच का दूसरा किनारा सी पोर्ट के पास में ये देखिए। ये समुद्र की लहरें आ रही हैं, वापिस जा रही हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। एक तालाब इनके लिए बना दिया, और ये इसमें भी खेल रही है सब बच्चियाँ, आप देखिए। बिल्कुल छोटी छोटी हैं, इधर से उधर भाग रही है, खेल रही है, लेकिन इसी छोटे तालाब में आई है। ये देखिए, ये इतना ही है बस, इसी में थोड़ा सा पानी है और ये खेल रही है। बाकी ये देखिए
पूरा समुंदर, दूर दूर तक समुंदर, और ये बच्चे यहाँ खेलते हुए, और ये देखिए ये लहरें, ये पानी की लहरें, और ये सामने विशाखापट्टनम बीच, वो पोर्ट सॉरी विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये साइड में बीच, ये साइड में दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, ये आरके बीच का ही एरिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इस बीच के ऊपर। अभी बीच से आ गया वापस, आगे चलते हैं। अभी मैं भाई के साथ बाइक पे बैठा हूँ, ये देखिए ये भाई बाइक चला रहे हैं, ये बाइक हमारा चल रहा है, और भाई हमें वही बीच पे ही मिल गए थे, और मैंने इनको ऐसे ही पूछा कि मेरे को बस स्टैंड जाना है, तो इन्होंने कहा कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब इनके साथ में मैं बैठ गया पीछे इनके, और ये पूरे विशाखापट्टनम को दिखा रहे हैं, और हम बस रेलवे स्टेशन की तरफ, हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी पीछे कमिश्नर ऑफिस गया, और ये यहाँ का नज़ारे आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरे को लिफ्ट दे दी। लोग बहुत अच्छे हैं जी यहाँ के, आप लोग भी आओ, घूमो फिरो, देखो। आप कुछ बोलेंगे? मैं? आप कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे, भाई शर्माते हैं। तो उस भाई ने हमें यहाँ छोड़ दिया रेलवे स्टेशन के सामने, और अभी सामने ही इस जो सर्किल है इस पे हमारा होटल है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। आज यहाँ मोदी जी आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा आप देखें तो ये देखें झंडे लगे हुए हैं, और उनके स्वागत में जगह जगह पोस्ट लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।